अरे ज्ञान की भूमि है, राजनीति पोस्टमार्टम कर देंगे आपका, झूठ मत बोलिए। हम यह जानना चाहते 371 क्या हुआ, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आसाम, 371C स्पेशल प्रोविजन विद द स्टेट ऑफ मणिपुर, जहां लाचार हो गया यह गृहमंत्री। ये प्रवचन कर रहा है बिहार में, अमित शाह 3 दिन मणिपुर में रहे और मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन यह देश का 56 इंच का सीना का राजनीतिक बारिश असफल हो गया। अब बिहार में इनको कानून का राज, जंगल राज नजर आ रहा है। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूँ, बौद्धिक बहस करिए, प्रवचन मत करिए। जिसके मंत्री को यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में अंतर समझ में नहीं आता है, जिसको राज्य सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार की उपलब्धि नजर नहीं आती है, जिसको धारा 370 की समझ नहीं हो, वह देश का गृह मंत्री बना हुआ है और भाषाई रूप से लंपट हो गया है। इसलिए CBI, ED, IT, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम आपके पद हैं, और मैं तो चुनौती दे रहा हूं, अमित शाह अगर कलेजा में दम है तो मुंगेर के माननीय सांसद ललन सिंह जी हैं, आपको तो ललन बाबू का फोबिया सवार है, नीतीश कुमार जी का फोबिया सवार है। अरे नीतीश कुमार जी तो विपक्ष की आवाज है, 45 MLA की पार्टी हम, नाको दम कर दिया है सबको, बेचैन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह। कोई मध्य प्रदेश में कराता है, कोई केरला जाके कराता है, ये महागठबंधन की ताकत है। तो 14-19 याद था, अब 15 बोलने में लाज लग रहा, 15 भी बोलते ना कि 2014 में इतना जीते, 2019 में इतना जीते, अब 15 में देव पटका, यही राजनीतिक जन्म कुंडली अमित शाह देखे थे, कहते मुख्यमंत्री जी इतना बजे निकलेंगे, इतना बजे इस्तीफा दे देंगे, बेचारे बैक टू पेविलियन चले गए। इसलिए मेरा सीधा आरोप है कि अमित शाह जी आप हिंदू धर्म के तथा कथित पैरोकार हैं, अशोक धाम को अशोक गुफा कह दिया, इतना भी जानकारी नहीं भगवान, हमारा घर है, हमको तो इतना लाज लगा बोल रहा था, अशोक गुफा है वह अशोक धाम है, स्वतः भगवान शंकर का उदय हुआ है वहां पर, वहां कह रहा है अशोक गुफा, तो केदारनाथ का गुफा है वो, मैंने गुफे में जाना चाहते हो, 24 के बाद जो राजनीति के गुफा में जाना है उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये सीधे तौर पर कहता हूँ, ना इनको अद्यतन जानकारी रहती है, ये राजनीति के चंडूखाना के भाषाई लंपट देश का गृह मंत्री है, जो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में अपमानित टिप्पणी करे। और मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहा हूँ कि खबरदार अपनी भाषा को नियंत्रित करिए, नहीं तो आपका CBI, ED या मानहानि ये सब का कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अगर लंपटाई की भाषा बोलोगे तो तुमसे ज्यादा बड़ा लंपट हम लोग हैं, ज्यादा लंपट की भाषा हमको बोलने के लिए आता है। इसलिए भाषाई रूप से सुसंस्कृत बनिए, नीतिगत सवाल पर मतभेद रखिए, नीतिगत सवाल पर नजरिया रखिए, और असत्य जब बोलिएगा तो आपका तो राजनीति का पोस्टमार्टम करते रहेंगे, जब जब आइएगा तब तब आपका झूठ का मशीन पकड़ने को तैयार है। अगर भारतीय जनता पार्टी यह कह रही हो कि अमित शाह के आने से जदयू डर गया या महागठबंधन डर गया, तो इसका मतलब अमित शाह अपराधी है। भाजपा कह रही है कि अपराधी से ना कोई डरेगा, हम तो देश का गृह मंत्री मानते हैं। अब अमित शाह आपकी अग्नि परीक्षा है कि अगर आपके नेता यह बयान दे रहे हैं कि जनता दल और महागठबंधन डर गया अमित शाह के आने से, तो आपकी पार्टी ने आपको अपराधी घोषित कर दिया, गृह मंत्री आपको नहीं मानता है, इस बात की पुष्टि हुई। जो विपक्षी एकता की बैठक थी उसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत से शादी समारोह थे, क्योंकि राहुल गांधी का, ममता बनर्जी का और केजरीवाल का, तीनों की अगर बयानबाजी को देखें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता बनने से पहले आप क्या कहेंगे? देखिए राजनीतिक भविष्यवक्ता तो हम हैं नहीं, लेकिन हम सनातन धर्म के हिसाब से जरूर देखते हैं। हमारी बैठक 5वीं दिन हुआ है, बड़ा शुभ दिन है, और इसकी बैठक आज हुआ है 29 तारीख, एकादशी है, राहु काल है, और 2/9/11 का मतलब रफू चक्कर, ये लोग तो राजनीति में रफू चक्कर हो जाएंगे। और इस ढंग का भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो फिर व्यक्तिगत टिप्पणी सुनना पड़ेगा, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर अगर कोई टिप्पणी करेगा
तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे भाजपा के, इतने छेद हैं ना कि सनातनी तथा कथित सनातनी का कि परेशान हो, किसी के व्यक्तिगत जीवन पर अगर टिप्पणी करेंगे तो करारा जवाब मिलेगा।